हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 1987 में आई रामायण के ए टू जेड स्टार कास्ट के बारे में कि वो 2023 में कितनी एज के हो चुके हैं और देखने में कैसे लगते हैं, और साथ ही जानेंगे कि इनमें से कौन सा स्टार कास्ट इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अरविंद त्रिवेदी, इन्होंने रोल प्ले किया था रावण का, और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 49 साल की, और साल 2021 में 83 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। तब ये पहले से कुछ ऐसे लगते थे। रेणु धारीवाल, इन्होंने सूपनखा का रोल प्ले किया था, और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 43 साल की, और अब ये 2023 के हिसाब से हो चुकी हैं 78 साल की। अब ये पहले से कुछ ऐसी लगती हैं। सुधीर दलवी, इन्होंने वशिष्ठ का रोल प्ले किया था, और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 48 साल की, और अब ये 2023 के हिसाब से हो चुके हैं 83 साल के। अब ये पहले से कुछ ऐसे लगते हैं। अरुण गोविल, इन्होंने राम का रोल प्ले किया था, रामायण करते टाइम इनकी एज थी 29 साल की, और अब ये 2023 के हिसाब से हो चुके हैं 64 साल के। अब ये पहले से कुछ ऐसे लगते हैं। पुष्पा वर्मा, इन्होंने सुलोचना का रोल प्ले किया था, रामायण करते टाइम इनकी एज थी 52 साल की, और अब ये 2023 के हिसाब से हो चुकी हैं 78 साल की। अब ये पहले से कुछ ऐसी लगती हैं। मेव रेस, इन्होंने लव का रोल प्ले किया था, और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 11 साल की, और अब ये हो चुके हैं 46 साल के। अब ये पहले से कुछ ऐसे लगते हैं। रजनी बाला, इन्होंने रोल प्ले किया था सुमित्रा का, और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 33 साल की, और साल 2022 में 65 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। तब ये पहले से कुछ ऐसी लगती थी। विजय कविस, इन्होंने भगवान शिव का रोल प्ले किया था, और रामायण के टाइम इनकी एज थी 31 साल की, और अब ये 2023 के हिसाब से हो चुके हैं 66 साल के। अब ये पहले से कुछ ऐसे लगते हैं। विजय अरोड़ा, इन्होंने मेघनाथ का रोल प्ले किया था, और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 43 साल की, और साल 2007 में 63 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। तब ये पहले से कुछ ऐसे लगते थे। अंजलि व्यास, इन्होंने रोल प्ले किया था उर्मिला का, और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 35 साल की, और 2023 के हिसाब से हो चुकी हैं 70 साल की। अब ये पहले से कुछ ऐसी लगती हैं। सुलोचना खत्री, इन्होंने रोल प्ले किया था मांडवी का, और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 33 साल की, और 2023 के हिसाब से हो चुकी हैं 68 साल की। अब ये पहले से कुछ ऐसी लगती हैं। दारा सिंह, इन्होंने रोल प्ले किया था हनुमान का, और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 59 साल की, और साल 2012 में इनकी 84 साल की एज में डेथ हो गई थी। तब ये पहले से कुछ ऐसे लगते थे। रामुकेश रावल, इन्होंने रोल प्ले किया था विभीषण का, और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 36 साल की, और साल 2016 में 65 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। तब ये पहले से कुछ ऐसे लगते थे। अपराजिता भूषण, इन्होंने रोल प्ले किया था मंदोदरी का, और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 33 साल की, और अब ये 2023 के हिसाब से हो चुकी हैं 68 साल की। अब ये पहले से कुछ ऐसी लगती हैं। उर्मिला भट्ट, इन्होंने रोल प्ले किया था सुनैना का, और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 53 साल की, और साल 1997 में इनकी 63 साल की एज में डेथ हो गई थी। तब ये पहले से कुछ ऐसी लगती थीं। दीपिका चिखलिया, इन्होंने रोल प्ले किया था सीता जी का, और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 22 साल की, और अब ये 2023 के हिसाब से हो चुकी हैं 57 साल की। अब ये पहले से कुछ ऐसी लगती हैं। रमेश गोयल, इन्होंने रोल प्ले किया था मारीच का, और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 30 साल की, और अब ये 2023 के हिसाब से हो चुके हैं 65 साल के। अब ये पहले से कुछ ऐसे लगते हैं। श्याम सुंदर, इन्होंने रोल प्ले किया था सुग्रीव का, और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 47 साल की, और साल 2020 में इन्होंने 80 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। तब ये पहले से कुछ ऐसे लगते थे।
चंद्रशेखर, इन्होंने रोल प्ले किया था आर्य सुमंत का और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 64 साल की और साल 2021 में 98 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। तब ये पहले से कुछ ऐसे लगते थे। स्वप्निल जोशी, इन्होंने रोल प्ले किया था कुश का और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 10 साल की और अब ये हो चुके हैं 45 साल के। अब ये पहले से कुछ ऐसे लगते हैं। सरिता देवी, इन्होंने रोल प्ले किया था सबरी का और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 62 साल की और साल 2001 में इनकी डेथ हो गई थी 76 साल की एज में। तब ये पहले से कुछ ऐसी लगती थीं। जय श्री गढ़कर, इन्होंने रोल प्ले किया था कौशल्या का, रामायण करते टाइम इनकी एज थी 45 साल की और साल 2008 में इनकी डेथ हो गई थी 66 साल की एज में। तब ये पहले से कुछ ऐसी लगती थीं। संजय जोग, इन्होंने रोल प्ले किया था भरत का और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 32 साल की और साल 1995 में 40 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। तब ये पहले से कुछ ऐसे लगते थे। सुनील लहरी, इन्होंने रोल प्ले किया था लक्ष्मण का और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 26 साल की और अब ये 2023 के हिसाब से हो चुके हैं 61 साल के। अब ये पहले से कुछ ऐसे लगते हैं। बशीर खान, इन्होंने रोल प्ले किया था अंगद का और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 25 साल की और अब ये 2023 के हिसाब से हो चुके हैं 60 साल के। अब ये पहले से कुछ ऐसे लगते हैं। नालिन दावे, इन्होंने रोल प्ले किया था कुंभकर्ण का और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 47 साल की और 1990 में 50 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। तब ये पहले से कुछ ऐसे लगते थे। असलम खान, इन्होंने रोल प्ले किया था समुद्र देव का और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 26 साल की और अब ये हो चुके हैं 2023 के हिसाब से 61 साल के। अब ये पहले से कुछ ऐसे लगते हैं। बाल धुरी, इन्होंने रोल प्ले किया था दशरथ का और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 43 साल की और अब ये 2023 के हिसाब से हो चुके हैं 78 साल के। अब ये पहले से कुछ ऐसे लगते हैं। राजेंद्र जैन, इन्होंने सेकंड कालनेमी का रोल प्ले किया था और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 36 साल की और साल 2015 में इनकी 71 साल की एज में डेथ हो गई थी। तब ये पहले से कुछ ऐसे लगते थे। ललिता पवार, इन्होंने रोल प्ले किया था मंथरा का और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 71 साल की और साल 1998 में 82 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। अब ये पहले से कुछ ऐसी लगती थीं। मोरारी बापू, इन्होंने रोल प्ले किया था फर्स्ट कालनेमी का और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 43 साल की और अब ये 2023 के हिसाब से हो चुके हैं 76 साल के। अब ये पहले से कुछ ऐसे लगते हैं। समीर राजदा, इन्होंने रोल प्ले किया था भरत का और रामायण करते टाइम इनकी एज थी 28 साल की और अब ये 2023 के हिसाब से हो चुके हैं 59 साल के। अब ये पहले से कुछ ऐसे लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे रामायण के सभी स्टार कास्ट और उनकी एज। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।